आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पटल और आलू का बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को ना आप पूरी, पराठा, चावल, दाल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी ये सब्जी बहुत पसंद है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पटल लिया है और इसे अच्छे से धो करके और ड्राई कर लिया है, और अब इसे हम इसका कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है कि पटल को बीचों बीच दो पार्ट में कर लेना है, और इसके जितने पतले पतले चीरे हो ना उतने पतले पतले चीरे लगाने हैं। तो आप देख रहे हैं ना मैं कितने पतले पतले चीरे लगा रही हूँ। इसी तरह करके हमें सारे पटल को कट कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने पटल में कितने पतले पतले चीरे लगाए हैं, और सारे पटल को आपको इसी तरह से कट कर लेना है। इसी के साथ मैंने 5-6 आलू ले लिया है, और आलू को भी हमने बॉईल कर लिया है। अब इसे मज़ेदार टेस्ट देने के लिए 4-5 हरी मिर्च लेंगे और 10-12 लहसुन का कली लेंगे। साथ ही 1 इंच टुकड़ा अदरक का लेना है। 1 बिग साइज़ का प्याज लेंगे, और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लेना है। ये तो हो गई हमारी सब्जी की तैयारी। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ सरसों तेल में नहीं बना रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे सरसों तेल में भी बना सकते हैं। और पटल को अब हमें फ्राई करनी है, तो हम इसमें पटल को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय ही हमें थोड़ा सा नमक डालना है, तो आधी छोटी चम्मच नमक लिया है मैंने, और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पटल दोनों साइड से ही बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम गोल्डन हो गया है। और अब हमें इन्हें क्या करना है कि कढ़ाई से निकाल लेनी है, और इसी बचे हुए तेल में हमें आलू को भी फ्राई कर लेनी है। तो आलू को भी सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते समय कढ़ाई थोड़ी सी जल गई है, तो इसे क्लीन कर लेंगे और दोबारा से कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करनी है, और उसमें 1 तेज़पत्ता डालना है, 2 सूखी मिर्च डालेंगे, और आप अपने पसंद का कोई भी गर्म मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची लिया है, 3-4 लौंग लेंगे। और अब इसे भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज डालनी है, और अब प्याज को भी गोल्डन होने तक भून लेंगे। और जब गोल्डन हो जाए तो इसमें हमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। इसी के साथ हमने 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधी चम्मच से भी कम काली मिर्च डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, और ये 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्जी में अच्छा सा कलर आने के लिए काश्मीरी शिमला मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आपके पास नहीं है या आप इसे खाना पसंद नहीं करते हो तो इसकी भी कर सकते हो। और अब इन सारे मसालों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से पका लेना है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट में पक जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मसाले बिल्कुल पक गए हैं, और अब हमें इनमें सब्जियों को डाल देना है। और अब इसी के साथ नमक भी डाल देंगे। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालना, आप जिस हिसाब से नमक खाते हो। अब इन्हें अच्छे से चलाते हुए हमें 1-2 मिनट तक भूनना है। सब्जियों को हम ढक ढक के कम से कम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ, मैं इसे सूखा ही बना रही हूँ। तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सब्जी बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही चटपटा और टेस्टी दिख रहा है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कैसा बना है कमेंट्स करिएगा।